नमस्कार, बेलगाड़ी की विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बिहार में शराबबंदी का फैसला नीतीश सरकार का ऐतिहासिक फैसला था। कागजों में तो शराब मिलनी बंद हो गई, लेकिन कालाबाजारी का आलम ये है कि बिहार पुलिस ने 10 लाख रुपए की शराब पीने का आरोप ही चूहों पर लगा दिया। शराब चूहे पी रहे हैं और नशे में बिहार पुलिस है। ताज्जुब की बात है कि बिहार पुलिस 10 लाख रुपए की शराब डकार गई और आरोप चूहों पर लगा दिया। मासूम चूहों पर इतना गंभीर आरोप भी लग सकता है, ये शायद ही कोई सोच सके। शराब को अपराध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि जिन जिन राज्यों में शराब प्रतिबंधित है, वहां पर भी अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। क्योंकि कागजों में तो शराब बंद है, लेकिन अवैध रूप से शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। जब अपराधियों को पकड़ने वाले खुद ही अपराध करने लगे, तो राज्य की कानून व्यवस्था भला कैसे अच्छी हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। अब ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि आखिरकार नीतीश सरकार इन शराबियों के खिलाफ क्या कुछ कदम उठाती है। डेली डायरी की रिपोर्ट।